गीता कॉलोनी शमशान घाट के पास स्कूटी सवार युवक से 1,89,000 की लूट, जांच में जुटी पुलिस। आप देख सकते हैं कि शनिवार की शाम गांधीनगर के एक दुकानदार ने अपने लड़के को चांदनी चौक से पैसे लाने के लिए भेजा। जब वह पैसे लेकर आ रहा था शमशान घाट के पास, उसको बाइक वाले ने रोका, जिस पर एक लड़की और एक लड़का बैठे थे। उन लोगों ने स्कूटी वाले को धमकी दी और चाबी निकाली। बाद में जब पता चला कि स्कूटी में 1,89,000 से भरा बैग रखा था, वो गायब हो गया, जिसके बाद उसने 100 नंबर कॉल नहीं की, मगर सीधे वो दुकानदार गांधीनगर के पास पहुंचा, जहां उन्होंने सब चीज़ें जो बताई उसके साथ क्या क्या घटना घटी, जिसके बाद दुकानदार गीता कॉलोनी के पास पहुंचा, जहां पर पिकेट के पास पुलिसकर्मी थे, उनको सारी चीज़ बताई, जहां पर उसके बाद उनको गीता कॉलोनी थाने में भेज दिया, जहाँ गीता कॉलोनी थाने ने मामला दर्ज किया, जिसके बाद गीता कॉलोनी शमशान घाट पुछते पर शनिवार की रात 9 बजे तक तमाम पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और आसपास के लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालने लगे। सुने आप पीड़ित दुकानदार की बाइट। वो जब चांदनी चौक से चले तो 3:34 या 35 पे यहाँ पर उनको एक बाइक पे एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की ने उस लड़के के गर्दन पे मुक्का मारा और वो लड़का घबरा गया। फिर लड़की गाली देने लगी, बदतमीज़ी से बोलने लगी। वो लड़का लड़की समझ के घबरा गया और वो गलती भी मानने लगा। इस बीच में लड़की ने उसकी स्कूटर की चाबी निकाल ली और उसको मिसगाइड करने लगी कि मैं तेरी ऐसा कर दूंगी, कंप्लेन कर दूंगी। वो लड़का घबराहट के मारे उसके पीछे पीछे जाने लगा। इस बीच में वहाँ पर पहले से ही 2 लोग खड़े थे एक बाइक पे। अब उन्होंने उसके हमारे स्कूटर में से वो पैसे का बैग निकाला और लड़का और लड़की लक्ष्मी नगर की तरफ या चाचा नेहरू हॉस्पिटल की तरफ मुड़ गए होंगे और वो कहाँ गए ये नहीं पता। और बाद में फिर एक बाइक वाला आया और उसने बताया कि आपके स्कूटर की डिग्गी में से कोई बैग था, वो निकाल के ले गए। अभी हमने फिर अभी हमने 100 नंबर पे कॉल नहीं की। हम फिर वो सामने जो इनकी वो बनी हुई है वहाँ गए और वहाँ जाके फिर वो हमें गीता कॉलोनी थाने में ले गए और वहाँ पे अभी हमारी कार्रवाई चल रही है। अभी अभी सारे सपोर्ट भी कर रहे हैं, SHO साहब भी अभी यहाँ पे आए थे और हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक तुम्हारा केस वो हो जाएगा। अभी तक वो हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं।